बीजेपी से लगवाना पड़ता है 70 साल के बाद। 1947 से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, था और रहेगा, लेकिन बीजेपी का ठप्पा आज लगा है इस पे। शायद इससे पहले हम भारत का हिस्सा नहीं थे। तिरंगा वहां पे तब से लहरा रहा है, मन में हमारे हिंदुस्तान तब से बोल रहा है, लेकिन आज ठप्पा लगना जरूरी था। दुख होता है, अफसोस होता है ये सुन के कि मुझे अब जाके हिंदुस्तानी बोला जा रहा है। मैं तो बेवकूफ था जो इतने सालों से अपनी नेशनलिटी इंडियन लिखे जा रहा था। बेवकूफ मैं जैसे पासपोर्ट इंडिया का बनवाया हुआ है, क्योंकि अगर इंडिया का हिस्सा ही मैं अभी बनाऊं। 70 साल से वो हर इंसान बेवकूफ था जिसने भारत के लिए, देश के लिए कहीं ना कहीं किस ना किस तरीके, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, किस ना किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बेवकूफ था वो इंसान। हम अगर आज हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं एंटी नेशनल होंगे। मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स ने बात की है, सब ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, तो मेरे हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है वही देश का असली वासी होता है, ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के पेश करे, वो देश का असली वासी है। यहाँ पे जो देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है उस पे देशद्रोही का ठप्पा लग रहा है, और जो देश के संविधान को दूर दूर तक मान ही नहीं रहा वो सबसे बड़ा देशभक्त, जिसको हम यहाँ सबसे बड़ा देशभक्त बोल रहे हैं आज की भाषा में। मेरे कश्मीर में, मेरे जम्मू में आके देखो, यहाँ पे छोटे से बच्चे के आप कपड़े खरीदने जाते हो ना बाजार में, उससे पूछते हो कि बेटा ये पसंद है। मेरे जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया, मेरे घर को दो हिस्सों में बांट दिया, मुझसे नहीं पूछा। यहाँ पे आपने कोई सेब, आम, तरबूज लेना हो तो आप पूछते हो खाना है कि नहीं। मेरे जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया पर मुझसे नहीं पूछा। मेरी पहचान मुझसे छीन ली लेकिन मुझसे नहीं पूछा। किस तरक्की की बात कर रहे हैं, कौन सी तरक्की होगी यूटी बना के? मैं वहां पे सुरक्षित घूम रहा हूं, मेरी बहनें रात के 11, 12 बजे तक भी घर आती हैं, वो सेफ हैं। कौन सी तरक्की चाहिए हमें? एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन की बात है ही नहीं कहीं। जब भी होता है, जब भी मांगना होता है, जी हमने पाकिस्तान पे गोलाबारी कर दी, हम सबसे आज की सबसे कामयाब सरकार है क्योंकि हमने पाकिस्तान पे गोला फेंका है। अंदर देश टूट रहा है धर्म 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 के चक्कर में, उसको कोई नहीं पूछ रहा। देश को बांटा जा रहा है मंदिर और मस्जिद के चक्कर में, उसको कोई नहीं पूछ रहा। अमेरिका में मोदी होता है तो वोट जी देश का डंका बज रहा है भाई। अंदर आके देखो, अंदर से खोखले हो चुके हो, कुछ नहीं बचा है। मैं आज का युवा हूं, आज के युवा के मुंह पे अगर ये शब्द आ रहे हैं ना, अपनी मर्जी से कोई नहीं बोलता, बुलवाया जाता है मजबूरी और हालात बुलवाते हैं। मेरे जहन में देशभक्ति नहीं है, मेरे जहन में भारत नहीं है, उसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? अगर मेरे जहन में देशभक्ति नहीं होती तो हम बाहर जाते, पासपोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बनवाते। आज तुम हमें अगर देशभक्ति चाहिए तो हमें पहले कागज लेके बीजेपी का ठप्पा लगवाना है कि हाँ जी भाई तुम देशभक्त हो, क्योंकि तुमने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। ये भी आपको मैं पॉइंट बता दूं, हमारे जम्मू और कश्मीर में आजकल क्या चल रहा है। 5 अगस्त के बाद हमारे जम्मू और कश्मीर में सारी एडमिनिस्ट्रेशन को यह ऑर्डर था कि अगर कोई भी एंटी बीजेपी बोले तो वो दिखना नहीं चाहिए अगले दिन, और इसी डर की वजह से वहां पे कोई बोल ही नहीं रहा। क्योंकि अगर आज मैंने कुछ भी बोल दिया तो कल मैं गायब हो जाऊंगा, मेरे घर वालों को नहीं पता होगा कि मेरा बेटा किधर गया। ये हालात है जम्मू और कश्मीर। बचपन से किताबों में
एक लाइन पढ़ी थी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। रियली डेमोक्रेटिक? हमारे जम्मू कश्मीर में इस जोक पे हंसा जाता है, दिस इज डेमोक्रेसी। और डंका जो बजता है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, एक और वर्ड है। इस सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में ये हो रहा है कि आप अपने घर वापस नहीं जा सकते। आजाद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह का बंदा बाहर गया हुआ है काम कर रहे, वो अपने घर लौटना चाहे वो अपने घर नहीं लौट सकता। दिस इज द डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। थैंक यू बताने के लिए। इट्स अ ठप्पा डेमोक्रेसी का, दैट डेमोक्रेसी। आई डोंट थिंक इतना टाइम बचा है कि मैं वो सारा दर्द सब कुछ बाहर निकाल पाऊं जो मेरे अंदर शायद काफी टाइम से भरा हुआ है, लेकिन चंद शब्दों से ही खत्म करना चाहूंगा कि सब ठीक नहीं है, सब ठीक नहीं है। एट लास्ट थैंक यू कि अच्छा लग रहा है कि शायद कश्मीर के बाहर भी जो लोग हैं जो कश्मीर के बारे में सोचते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते हैं। तो हाथ जोड़ के एक बार शुक्रिया और धन्यवाद, थैंक यू कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।